एनीमिया को लेकर जागरूक होने की अपील की और कहा स्कूल आंगनवाड़ी हर जगह जहां शंका हो बच्चों की जांच करवाएं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल से बड़वानी में हैं। कल जहां मंत्री से मुलाकात की, वहीं आज खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर सहित सिकल सेल एनीमिया की जांच शिविर में शामिल होकर जहां बीमार पाए गए बच्चों को सर्टिफिकेट दिया, वहीं टीबी के मरीजों को पोषण वितरित किए। कार्यक्रम का आयोजन सांसद पटेल की मां सुशीला देवी उमराव सिंह पटेल संस्था के द्वारा सांसद की पत्नी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। मंच से अपने भाषण में राज्यपाल ने लोगों से अपील की है कि इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने में सहयोग करें। उन्होंने रक्तदान करने वालों को बधाई देते हुए माता पिता से भी अपील की कि वे बच्चों के संबंध में समय समय पर जांच करवाएं ताकि अनुवांशिक गुण होने के चलते आने वाली नस्ल इस बीमारी की चपेट में ना आ पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि इस बीमारी की चपेट में अधिकतर जनजातीय समुदाय के लोग हैं, जिसको देखते हुए मोदी गंभीर हैं और दिल खोलकर फंड दे रहे हैं। वहीं सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि उनकी लोकसभा में फिलहाल करीब 2758 टीबी के मरीज हैं, जिनके लिए उनकी संस्था कार्य कर रही है। उन्होंने बड़ी संख्या में रक्तदान होने पर खुशी जाहिर करते हुए लोगों से सिकल सेल और एनीमिया की जांच करवाने की अपील की है और महामहिम जी के माध्यम से उस जागरूकता अभियान में उनका संदेश गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जो समुदाय है जिनको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है, उनके लिए रक्त का डोनेशन भी हो, रक्त इकट्ठा हो, जिनके कारण से रक्त होने देने के बाद में उनका उपचार हो पाए और ठीक हो पाए। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की इस प्रकार की जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे और इसलिए टीबी मुक्त अभियान जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आग्रह किया है उसको लेकर भी मेरी पूजनीय माता जी की संस्था काम कर रही है। पूरे खरगोन बड़वानी के 2758 ऐसे टीबी पेशेंट है जिनको पोषण आहार की जरूरत है। उस पोषण आहार की जरूरत हमारी माता जी की संस्था के नाम से करने वाले हैं और इसलिए ये अभियान सतत चलने वाला है। इसलिए आज पूरे इस लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भी आए हैं। मैं खुलकर उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, सिकल के लिए जांच के लिए भी कई हमारी पैरामेडिकल की संस्थाएं आई है, नर्सिंग कॉलेज की बच्ची आई है, कई हमारे स्वसहायता समूह के लोगों ने भी यहां पर सिकल सेल को लेकर जनजागरण अभियान में मदद करी है। मैं आपके माध्यम से इस आज के जन्मदिवस के अभियान पर, पूजनीय माता जी की संस्था के अभियान पर, मैं समस्त कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य रक्तदानियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जन्मदिवस उनके द्वारा दिया गया रक्त मानव सेवा का एक परिचय है, जो मानव सेवा के नाते एक किसी का जीवन बचाने के लिए उन्होंने दान किया है। मैं उनका पूर्ण हृदय से धन्यवाद देता हूं।